हेलो एवरीवन। सो कंपनी है सोलोन एनर्जी लिमिटेड। डेली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 20 अप्रैल। सो लगभग कंपनी अराउंड 4 से 5 महीने से, यानी कि लास्ट 4-5 महीने से कंपनी एक साइडवेज जोन में परफॉर्म कर रही है। यानी कि जो मूवमेंट चल रही है पिछले 4-5 महीने से, वो साइडवेज जोन में कैंडल्स चलते हुए दिख रही हैं। तो अपने को इस तरफ यानी देखना क्या है फिलहाल के लिए, कि इस कंपनी को होल्ड करना सही रहेगा या फिर सेल कर दिया जाए। सो उसके लिए देखने पड़ेंगे पैटर्न्स की कैंडल्स ने प्रीवियस में, यानी पहले कैंडल्स ने क्या पैटर्न बनाए हैं और प्रेजेंट टाइम में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और आगे क्या बन सकता है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कम्प्लीट भी हुआ था कुछ इस पॉइंट पे। यहाँ पे था इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ पे कैंडल हर बार सपोर्ट बना रहे थे। एंड इसके अलावा कुछ इस पॉइंट पर था इसका रेजिस्टेंस, यानी कि शोल्डर का रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ तक शोल्डर कंप्लीट हुए हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं कि शोल्डर काफी, जो राइट शोल्डर है यानी कि ये वाला शोल्डर यहाँ बना हुआ राइट वाला, वो काफी अच्छे से कम्प्लीट हुआ है। कम्प्लीट होने के बाद फिर से कैंडल्स की मूवमेंट नीचे हो गई है, यानी कि अभी भी जो कैंडल्स चल रही हैं वो एक साइडवेज जोन में है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं वो इस पॉइंट पे आके फिर से सपोर्ट बना, फिर से ऊपर निकलना चालू कर दें। बट हो क्या रहा है कि काफी लंबे समय से कैंडल्स एक ही जोन में परफॉर्म करते हुए दिख रही हैं, जिससे हम हो चुके इसके अंदर स्टक। तो अब करना क्या है कि जब जब तक कुछ अच्छी कन्फर्मेशन नहीं मिलती है एक अच्छी मूवमेंट की, तब तक इसके दूर रहना ही ज्यादा सही रहेगा। अब पॉइंट का क्या है कि यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल सकती है अपने को अच्छा वाला, वो है कुछ ये पॉइंट, यानी कि 50 रुपए के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे अपने को एक अच्छा बाय सिग्नल मिल सकता है फ्यूचर में एज पर दी कैंडल और एज पर दी वॉल्यूम, की उस टाइम पे कैंडल्स और वॉल्यूम में किस टाइप की मूवमेंट चल रही है। फिलहाल के लिए क्या है, कैंडल्स काफी लंबे समय तक साइडवेज रही है, यानी कि 4-5 महीने से कैंडल साइडवेज परफॉर्म कर रही है और अभी भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, यानी कि अभी भी कैंडल्स अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट में अटक के रह चुकी है। सो वेट करते हैं, जो 50 रुपए का लेवल बना हुआ है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दें, ना कि क्लोजिंग दें, एक प्रॉपर ब्रेकआउट जस्टिफाई करें, यानी कि जो ब्रेकआउट मिले अपने को 50 रुपए के ऊपर का, वो प्रॉपर एक चीज दिखाए कि हाँ यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक सेफेस्ट एंट्री बन सकती है। सो वेट करते हैं इस पॉइंट का ब्रेक होने के लिए, 50 रुपए का लेवल क्रूशियल है। वेट करते हैं इस पॉइंट का, कैंडल्स यहाँ पे किस टाइप की चीजें दिखाने वाली हैं, क्या ब्रेकआउट दे पाएंगे या फिर नहीं। दिस इज एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।